हुआ नव्या? I got ouchie. आउची? कैसे लग गई? Scratch. ऐसे? Scratch. Okay. नव्या, will you miss this place? Yes. Yes? Do you like it here? You want to go down? अच्छा, पहले एक बात बताओ, तुमको घर जाना है कि यहीं पे रहना है? रहना है यहाँ पे? यहाँ रहना है? हाँ? तुमको यहीं रहना है नव्या? So, हम लोगों ने बहुत मजे किए दो तीन दिन से. हम लोग आराम से खा पी के यहीं जंगलों में रह रहे थे और यही आवाजें सुन रहे थे. अब हो गया टाइम, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब एक जगह डेल्स फोर्ट, राइट? यस, डेल्स फोर्ट पेट फ्रेंडली कैफे. हाँ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? लेवेंडर फार्म. स्प्रिंग वाटर्स है यहाँ पे जो फ्रेश निकलते हैं इस एरिया में, तो वो चेकआउट करेंगे. हाँ, स्प्रिंग वाटर्स देखने जाएंगे. तो दो तीन जगह है जो हमें एक्सप्लोर करनी है जो यहाँ पे पास में ही है, और वो सब कुछ देख के मे भी शायद रात हो जाएगी, तब हम लोग फिर जाएंगे मेलबर्न घर की तरफ. पर ये घर को हम लोग सब बहुत मिस करेंगे. रात भर बैठ के यहाँ पे जो स्टार्स तारों की छांव में बैठकर. हाँ, बोलो फन था. That is going to be irreplaceable. हाँ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. मतलब इतना अच्छा आसमान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था. जब आप एक बार रात में देखते हो तारे, फिर दोबारा देखते हो, तो लगता है कि डबल क्वांटिटी हो गई है. मतलब सब कुछ चमक ही रहा है आसमान पूरा का पूरा. और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया. वी हैड सुपर फन. और हमने क्या क्या खाया पिया, मस्ती की, और लियो ने भी बहुत मज़े किए. लियो अभी भी देखो लास्ट का भी अभी देखते हुए वॉक करते हुए जा रहा है. और अब थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है लियो और नव्या में. फिर अच्छे से अब जाके उसको पैट कर देती है, बोल रही है आई एम गोना मिस लियो, लियो इज सुपर क्यूट. सो गाइस, चलते हैं अब यहाँ से डेल्स फोर्ट की तरफ. अच्छा सा कैफे और डेल्स फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं. चलो. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लाइक ऑलवेज. एंड आज हम लोग आए हैं बोटानिकल गार्डन्स में, और यह है डेल्स फोर्ड में. दो तीन दिन के स्टे के बाद, जंगलों में रहने के बाद, अब हम लोग कर रहे हैं पास का एरिया एक्सप्लोर. और ये रहे गिन्नी और नव्या. से हाय नव्या. एंड वी आर सुपर हंग्री, हमें इतनी तेज़ भूख लगी है. गिन्नी ने वो कैफ़े ढूंढ ही लिया. सो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉम्बैट कैफ़े, और उसमें लियो भी आराम से बैठ सकता है. तो चलते हैं वहाँ पर. और जो ये रीजनल साइड के जो कैफ़ेज़ होते हैं, इनके खाने पीने की बात ही कुछ और होती है. इतने फ्रेश और उनके इंग्रेडिएंट्स इतने डिफरेंट लगते हैं कि वही खाना हमें मेलबर्न के कैफ़ेज़ में डिफरेंट टेस्ट लगता है, राइट? फ्रेश प्रोड्यूस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से दूर. हाँ, फ्रेश एंड लोकली प्रोड्यूस. तो बस अब जाते हैं डेल्स फोर्ट के एक अच्छे से कैफ़े में. वाओ, इसका तो देखो, आशीष को देखते ही ना वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो बंदा हुआ है. कैफे भी एकदम लग रहा है जैसे कोई पुराना ओल्ड स्टाइल घर होता है, उस तरह का कैफे लग रहा है. नर्सरी भी है ना शायद कैफे के साथ में. ये जो हिडन कैफेज ढूंढ के जो मुझे सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है ना, उसकी कोई और कंपैरिजन नहीं है. अंदर चलते हैं ना. और इट्स सो ब्यूटीफुल. कम 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 फ्रेश बेकरी, और कितना अच्छा फ्रेश फूड है यहाँ का. क्रोसांट इज सुपर यम, लाइक क्रिस्पी लेयर्ड, एक एक लेयर्ड. और नव्या ने अकेले में पूरा क्रोसांट फिनिश कर दिया, मतलब उसे भी इतना अच्छा लगा.
Who's funny, Navya? Yeah. Who's funny? She's a funny guy. You know what the funniest thing about me is? I think I'm funny. See? तो यहाँ का अच्छा था ही था, पर यहाँ पर बहुत अच्छी जगह भी है पिकनिक के लिए। तो अगर कभी आओ और अगर पिकनिक करना चाहें तो आराम से एक फन आउटिंग हो सकती है। और पीछे इतनी सुंदर लाइक ट्रीज, और ये नर्सरी बंद हो गई है बट इंडोर प्लांट्स, आह आई लव इंडोर प्लांट्स। सो इंडोर प्लांट्स के लिए अभी कुछ हमें मिला नहीं बिकॉज नर्सरी क्लोज हो जाती है 12 o'clock, और इट्स ऑलमोस्ट अभी 1 o'clock हो रहा है। पटना भी आई सुपर हैप्पी, इतनी सारी बटरफ्लाइज, इतने बर्ड्स देख के उसको इतना अच्छा लग रहा है। सो काम, सो रिलैक्सिंग, मन नहीं कर रहा है यहाँ से कहीं जाने का। पूरा एकदम ऐसे छा गया, एकदम जमीन टच कर रहा है। यार दिस इज ऑसम, दिस इज सो कूल। नव्या, कैन यू सी मी फ्रॉम हियर? हेलो, ये बोले लेट्स गो लियो। लियो लव दिस प्लेस। She's changing color. Yeah. Don't touch, okay? Yeah. It's very venomous. Yeah. रिजर्व में, और यहाँ पर हमने सुना है कि हम मिनरल वाटर और स्प्रिंग वाटर्स अपनी बॉटल में भर सकते हैं, तो हम ये वाला पानी फेंक के इसके अंदर भरने वाले हैं नेचुरल स्प्रिंग वाटर एंड मिनरल वाटर। स्प्रिंग वाटर है ना? ओ स्प्रिंग वाटर, सॉरी। सो ओ, और इसके बाद चलेंगे लेवेंडर फार्म। मुझे लगता है लेवेंडर फार्म पे लेवेंडर वाली फ्लेवर की आइसक्रीम मिलनी चाहिए। तस, यस मी टू। हम तस्मेनिया गए थे, वहाँ मैंने खाई थी। आपको क्या लगता है आशीष, मिलेगी वहाँ पे? लेट्स होप फॉर द आइसक्रीम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो सोडा मिनरल स्प्रिंग है। लो ना भैया, इसकी स्टोरी बताना है। ये इसके बारे में हिस्ट्री है इसकी, तो जियोग्राफिकली सर्वे में यहाँ पे 8 बोरों को उन्होंने ड्रिल करा था, क्योंकि उनको था कि यहाँ पे पानी की कमी हो सकती है। पर 8 में से अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही रह गए हैं, जिसमें सोडा, सल्फर एंड बियोना वर फिटेड हैंड पंप्स। तो अगर आप देखोगे, हमने ये हैंड पंप में से जो पानी लिया है, ये सोडा वाटर है जो हेवन तो इसका टेस्ट अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट थोड़ा सोडा। बहुत लोग यहाँ से अपनी बॉटल्स घर से लेकर आते हैं और भरकर लेकर जाते हैं, क्योंकि इस पानी का स्वाद ही बहुत डिफरेंट है। चलो वाटर लेने ही चल रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा खास फर्क लगा नहीं वो स्प्रिंग में और मिनरल वाटर में, दोनों में ही थोड़ा सा सॉल्टी और सोडा वाला फ्लेवर आ रहा था। बट नेचुरल पानी, ठंडा फ्रिज का पानी है। और बच्चों के लिए यहाँ पे स्लाइड वगैरह लगी हुई है, मतलब दे कैन प्ले इन पार्क, हैव अ पिकनिक। बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे मिनरल क्या था, बाथिंग भी है ना। Come on, Navya. Now let's go to the lavender farm.
I love lavender, Navya. Do you like lavender ice cream? Yeah. Yes? Yeah. How many ice creams are you going to eat? Four. Four ice cream? And five. I think पांच तो मैं भी खा लूँगी. मुझे lavender ice cream बहुत पसंद है. So चलते हैं. कम. So हम लोग आ गए lavender farm में और बहुत ही छोटा सा है ये तो है ना आशीष? नहीं अंदर दूसरा होगा. अच्छा अंदर दूसरा होगा. So see the plants, butterflies. बिल्कुल ऐसे गांव वाली फीलिंग आ रही है ना. लेवेंडर और छोटा सा कॉटेज स्टाइलिंग का शॉप. हाँ गांव भी है. चलते हैं आगे का. लेट्स गो एंड फाइंड आउट. ओह माय गॉड दिस इज अ ट्री. सी नाउ देयर इज अ बर्ड. ये हेलो बर्डी. ओह लुक देयर. पापा कम. कितना दिमाग लगा के इन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीजें डिस्प्ले की हुई है. हे बर्डी. इट्स अ कैक्टस. ऐसा लग रहा है गांव का घर गिन्नी. क्या फार्म फीलिंग है. No, no, we can't open this. You like a rock and roll. Always started something. Now I can't go. Four leaf clovers in the garden. Are you coming over? Always started something. Is it everything you want? It's so beautiful. Perfect? No. It's perfect? No? Let's go! Let's have ice cream. Oh, wow! Such a big farm, Navya! We are in heaven! Lavender ice cream! Ginny! क्या हुआ? मैं सहराज को बुला रही हूँ. वाह 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 वाह. व्हाट इज दिस? एप्पल रुबाब डेयरी फ्री. हमारी लेवेंडर आइसक्रीम. नव्या को तो चॉकलेट खानी थी. वो कलर देख के डिसाइड करती है एक्चुअली. बस सो यम. मीठा भी ज्यादा नहीं है. ये लो पकड़ो. शैंपेन इसी की कॉकटेल थी लेवेंडर की. लेवेंडर फार्म. और अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे. नव्या को भी बहुत धूप लग रही है. सो बेटर अब हमने आइसक्रीम खा ली है अब चला जाए. उससे पहले मुझे कुछ बाथिंग ऑयल और स्लीपिंग ऑयल्स लेने हैं. सो चल के देखते हैं उधर कैसे हैं. कम ऑन. सो हो गई हमारी
हमारी आउटिंग, हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया और अब टाइम है घर जाने का। शाम के अभी बज रहे हैं 5 और घर जाते जाते हो जाएगी रात। घर जाके फिर नव्या को वही नहलाना, उसे सुलाना, उसको भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है वो। और यहाँ पे जो बर्ड्स थे इतने बड़े बड़े, वो जो ईमू वाले बर्ड्स होते जो पीछे भागते हैं, वो देख के थोड़ा सा डर गई है। तो अब बस अब हम लोग जाते हैं घर और मुझे लगता है मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों का काम है कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ कर देना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाकी सारी स्टोरीज देखने के लिए। And I'll see you in the next vlog. Till then, be happy, be healthy, and be safe, guys. Bye-bye. Subscribe. Say subscribe.